सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालेही वसल्लम, सलाम हो सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज कनोला के दोस्तों के लिए कनोला की मुख्तलिफ अकसाम जो मार्केट में दस्तयाब है उनके बारे में बात करना चाहूँगा। अक्सर दोस्त इस वक्त कनोला के लिए दिलचस्पी रखते हैं लेकिन अकसाम के बारे में पता नहीं है, बीज के बारे में कुछ दोस्तों को दिक्कत और परेशानी हो रही है कि कौन सा बीज मुंतखब किया जाए, किधर से बीज तलब किया जाए। तो आज का ये प्रोग्राम कनोला के जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी काश्तकार हैं, उनके लिए मुफीद साबित होगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा और आपका मोहब्बतों का रिश्ता इंशाल्लाह कायम रहेगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, करम फरमाए, और मैं अपील करता हूं कि मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। इस वक्त अगर कनोला की बात की जाए तो आरी कनोला कनोला की दुनिया में टॉप का कनोला है। ये अयूब रिसर्च फैसलाबाद का शाहकार है और कनोला की दुनिया में ताजदार है, बादशाह है, इसको किंग ऑफ कनोला आप कह सकते हैं। आरी कनोला अगेती काश्त के लिए बड़ा बेहतरीन है और अपनी अच्छी पैदावार के लिए माना जा रहा है। आरी कनोला के बाद सुपर कनोला, सांदल कनोला और पीएआरसी कनोला, सुपर कनोला, सांदल कनोला और पीएआरसी कनोला, ये तीन कनोला की ऐसी किस्म है जिनको आरी कनोला के बाद मैं कैटेगराइज करता हूँ, इनका दूसरा दर्जा है। सांदल कनोला पिछले साल से पंजाब सीड कॉरपोरेशन में बड़े वसी पैमाने पर फ्राहम किया गया और इसके नतायज पैदावार के लिहाज से बड़े शानदार है। मजीद तीन इकसाम खानपुर कनोला, फैसल कनोला और पंजाब कनोला है, ये भी आप तलब कर सकते हैं, इनको मुंतखब कर सकते हैं कनोला में अच्छी पैदावार देने के लिए, ये बेहतरीन इंतखाब होगा। अगर बात की जाए कैंजो की तो कैंजो का 021C और 022B ये शाहकार प्रोडक्ट है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। ये दोनों अकसाम आपको अच्छी पैदावार देने में टॉप पे जा सकती हैं, जिस तरह आरी कनोला पैदावार में टॉप पे जा सकता है, कैंजो के ये दोनों बीज मार्केट में इस साल बड़े इन है और ये टॉप पे आपको ले जाएंगे पैदावार में। 4B का कनोला ये आपको अच्छी पैदावार दे सकता है, 4B की किसी भी फ्रेंचाइज से आप तलब कर सकते हैं। रुस्तम कनोला जो कि जलंधर सीड का शाहकार है, अच्छी पैदावार में मार्केट में अपना शानदार नाम बनाया बैठा है। व्हील एजीसी के पास किंगोला के नाम से आपको कनोला मिल सकता है, किंगोला के नाम से, ये भी एक अच्छा ब्रांड है। टारगेट अली अकबर ग्रुप के पास आपको 45C05 और SC3161 ये दो कनोला की इकसाम आपको टारगेट अली अकबर ग्रुप के पास मिल सकते हैं, क्योंकि अली अकबर ग्रुप और सनक्राप ग्रुप आपको पता है कि इनका हाक हो चुका है, तो 45C05 आपको ग्रीन लाइट के पास भी मिल जाएगा, सनक्राप के डीलर भी इसको फ्राहम कर रहे हैं। कनोला का इंतखाब इस साल बहुत जरूरी है, इस साल सैलाब की वजह से बहुत सारे हमारे इलाके जो है वो डूबे हुए हैं, सैलाब से मुतासर हुए हैं, आयल की इस दफ़ा शॉर्टेज हो सकती है, आयल की प्राइस बढ़ सकती हैं, लिहाजा जितने भी मेरे जिम्मेदार हैं कनोला ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें ताकि आप अपने घर का आयल पैदा कर सकें, अपने बच्चों को जहरों से पाक आयल फ्राहम कर सकें, और कनोला इस सिलसिले में आपको जमानत फ्राहम कर सकता है। और कनोला की बहुत सारी इकसाम ऐसी हैं जिन पर हमारी हुकूमतें जो हैं वो सब्सिडी फ्राहम कर रही हैं, लिहाजा सब्सिडी से भी फ़ायदा उठाएं और महंगाई से बचने के लिए कनोला से घर का आयल पैदा करें। एक घर की औसतन जो साल की तेल की ज़रूरियात हैं वो 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए हैं। अगर आप 1 एकड़ कनोला काश्त करते हैं तो 2 लाख का बजट आपको बच सकता है और साफ़ सुथरा तेल आप घर में पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, अल्लाह ताला आप पर सलामती, रहमत और फजल फरमाए। खुश रहे, बाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया अकसान, वस्सलाम।